हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27। हमको फर्स्ट प्रेफरेंस के 33 वोट मिले, लेकिन राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार से सेकंड प्रेफरेंस वगैरह वोटों की गिनती जब हो गई तो उनको आगे बढ़ने, इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था दो वोटों पर, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। फेवर किया गया लगता है, फेवर किया। देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई, दो स्टेट में भी ऐसे ही होता नहीं गए सर, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। नहीं, हमारे पास 169 है। मैं आपकी बात, आपको क्या पूछना चाहते हो मुझे मालूम है, और कुछ अपक्ष कुछ इंडिपेंडेंट जो है यहाँ वहाँ हमेशा की तरह जाते हैं, वो गए हैं, वो वापस आ जाएंगे।